स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 8 और 9 जुलाई को मौसम का हाल। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। देश के लगभग हर राज्य में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बरसात की गतिविधियां देखी जा रही है। कहीं बारिश गर्मी से राहत लेकर आई है तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। केरल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते केरल में जगह जगह पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन गई है। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है। कन्नूर में भारी बारिश के कारण कक्कड़ नदी उफान पर है। वहीं मौसम विभाग की माने तो कन्नूर में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कन्नूर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। कन्नूर में अगले 6 दिनों तक तेज बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कल कन्नूर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। अगले 6 दिनों तक कन्नूर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा। कक्कड़ नदी के उफान पर होने से रिहायशी इलाकों में बारिश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने जमाव वाले मार्ग पर अस्थायी बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि लोगों को उन स्थानों पर जाने से रोका जा सके। केरल के कन्नूर जिले में आज 8 जुलाई को कॉलेज और स्कूल बंद है। छुट्टी के संबंध में आधिकारिक आदेश सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, मदरसों, आंगनबाड़ियों, केंद्रीय विद्यालयों के साथ साथ राज्य CBSE और ICSE स्कूलों पर भी लागू है। कन्नूर के अलावा अलापुझा, कोझिकोड, कोट्टायम, कासरगोड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, पथानमिट्टा और कोल्लार में भी भारी सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद। इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के कारण केरल में लगातार तीसरे दिन से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में जलभराव, तटीय कटाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसी के साथ कई नदियां उफान पर हैं। वहीं IMD ने गुरुवार को कन्नूर, कोझिकोड, इडुक्की, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड में अलर्ट माने तो इन जिलों में 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें बारिश की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय और तालुक स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे काम करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 60 टीमों को आपातकालीन स्थिति के लिए इडुक्की, पथानमट्टिका, मलप्पुरम, वायनाड, कोझिकोड, अलापुझा और त्रिशूर जिले में तैनात किया गया।